हाय फ्रेंड्स, दिस इज अश्विनी कुमार अवस्थी, वाचिंग माय यूट्यूब चैनल अश्विनी अवस्थी। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं सीबीएसई बोर्ड के एग्जामिनेशन रिजल्ट के बारे में, क्योंकि सीबीएसई बोर्ड ने काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन अपडेट की है, उसके बारे में पूरी जानकारी आज की इस वीडियो में प्राप्त करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दूं कि अगर आप मेरे चैनल पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, पास में लगे घंटे के बटन को जरूर प्रेस कर दें तभी ताकि आप आ सकें मेरी वीडियो सबसे पहले। तो चलिए चलते हैं, मैं सारी साइट्स विजिट कराता हूं आपको जो जो इन्फॉर्मेशन आपके सीबीएसई बोर्ड रिजल्ट के बारे में दी गई है। तो यहां सबसे पहले हम बात करने वाले हैं आपके जागरण जोश के बारे में, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट साइट मानी जाती है। यहां पर जो इन्फॉर्मेशन दी गई है उसमें साफ तौर पर क्लियरिफाई किया गया है कि जो टेंथ का रिजल्ट है, वो टेंथ का रिजल्ट जो है वो डायरेक्टली जो बाकी एग्जामिनेशन हुए हैं और उनका जो परफॉर्मेंस है, स्टूडेंट्स की जो परफॉर्मेंस गई है और उसके आधार पर वो रिजल्ट जो है वो डिक्लेयर करेंगे टेंथ का। मगर ट्वेल्थ के जो एग्जामिनेशन बाकी बचे हुए हैं, जो पेपर बाकी बचे हुए हैं, उन्हीं पेपर के आधार पर वो उसको क्लेरिफाई करेंगे। अगर ट्वेल्थ की बात हम कर रहे हैं तो ट्वेल्थ में जो एग्जामिनेशन हैं तो यहाँ पर जो है ट्वेल्थ का जो एग्जामिनेशन होगा वो वापस से ट्वेल्थ एग्जामिनेशन लेने के बाद ही उसका सेकेंडरी एग्जामिनेशन जो होगा उसके बाद ही उसको डिक्लेयर करने की बात की उन्होंने। और अगर हम बात करते हैं यहाँ पर दूसरी साइट की, तो ये है आपके साइट जो है वो नवभारत टाइम्स की है, जो कि न्यूज़पेपर है। और यहाँ पर साफ तौर पे बताया गया है केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद 10वीं और 12वीं के रिजल्ट को लेकर अहम जानकारी सामने आई है। ये जानकारी खुद बोर्ड के परीक्षा निरीक्षक अनुराग त्रिपाठी द्वारा दी गई, जिन्होंने रिजल्ट के साथ साथ हुई बोर्ड की बची हुई परीक्षाओं को लेकर भी सूचना दी है। सीबीएसई के परीक्षा नियंत्रक अनुराग त्रिपाठी ने कहा कि वर्तमान हालात में परीक्षाएं करा पाना संभव नहीं है, इसलिए 10वीं बोर्ड में के बचे हुए पेपर्स नहीं कराए जा रहे हैं। जिन पेपर की परीक्षा नहीं होगी उनमें बच्चों को इंटरनल असेसमेंट के आधार पर पास कर दिया जाएगा। हालांकि नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में 10वीं के प्रमुख 6 पेपर की परीक्षा ली जाएगी, वहीं 12वीं परीक्षा को लेकर अभी कुछ क्लियर नहीं है। 12वीं के 12 विषयों की परीक्षा होनी अभी बाकी है। बोर्ड का कहना है कि लॉकडाउन के बाद हालात को देखते हुए इस पर फैसला लिया जाएगा, अगर लॉकडाउन बढ़ा तो उसके अनुसार प्लान बनाया जाएगा। रिजल्ट की अगर हम बात की जाए तो यहाँ पर रिजल्ट के बारे में इन्फॉर्मेशन दी गई है कि रिजल्ट अभी कम से कम 2 महीने लगेंगे, क्योंकि जो 12वीं के पेपर बाकी रह गए हैं उन पेपर को पहले क्वालिफाई किया जाएगा, देन आफ्टर ही आपका यहाँ पर वो होगा। यहाँ पर साफ तौर पर बोला है अनुराग त्रिपाठी ने कहा कि 12वीं परीक्षा को रिजल्ट जारी होने के बाद ये परीक्षा होने की संभावना है। जो NEET और JEE है उसके बारे में इन्फॉर्मेशन उन्होंने दी है कि ये दोनों एग्जामिनेशन 12वीं के रिजल्ट आने के बाद ही रखे जाएंगे, उससे पहले ये एग्जामिनेशन नहीं हो सकते हैं। इसके बाद अगर हम मेन साइट पर जाते हैं सीबीएसई बोर्ड की, तो सीबीएसई बोर्ड की जो मेन साइट है वहाँ पर आपको 29 तारीख को एक अपडेट दिया गया था, प्रेस रिलीज दी गई जो मैंने यहाँ पर ओपन कर रखी है। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा जिससे आप उसको ओपन कर पाएँ। तो यहाँ पर एक प्रेस रिलीज दी गई है, उसके बारे में अगर हम यहाँ बात कर रहे हैं तो यहाँ पर भी उन्होंने साफ तौर पर बोला है कि जो एग्जामिनेशन है कंडक्ट करने के लिए, टेंथ के एग्जामिनेशन हैं वो यहाँ पर कंडक्ट किए जाएंगे, बाकी जो एग्जामिनेशंस हैं वो उसी तरीके से जैसे रिसीव्ड बाय द सीबीएसई इस कंटेंट, जो एग्जामिनेशन है वो सर्वल क्वेरीज के बाद यहाँ पर दिए गए, बहुत सारी क्वेरीज हुई हैं इसके रिगार्डिंग सीबीएसई बोर्ड में, तो उसके अकॉर्डिंग जो दिया गया है वो कंडक्ट किए जाएंगे आपके सीबीएसई के द्वारा। मतलब टेंथ के एग्जामिनेशन जैसे अभी यहाँ पर दी गई थी पहले इन्फॉर्मेशन के टेंथ के एग्जामिनेशन नहीं होंगे, तो ऐसा नहीं है। टेंथ के एग्जामिनेशन को भी 29/4/2020 में ये रिलीज़ जारी की गई है, यानी कल की डेट की रिलीज़ है, तो ये यहाँ पर दिया गया है सीबीएसई के द्वारा सर्टिफाइड किए जाएंगे और एग्जामिनेशन से 10 दिन पहले आपको इस चीज़ की इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। इससे पहले जो प्रेस रिलीज लॉन्च की गई थी वो 1/4/2020 को थी, मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ, मैंने वो भी ओपन कर रखी है, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा जिसमें आप आराम से उसको ओपन कर पाएँ। शेड्यूल फॉर द क्लास 10th और 12th बोर्ड एग्जाम्स विल बी रिगार्ड द शेड्यूलिंग एग्जामिनेशन फॉर द क्लास 10th एंड 12th इन्फॉर्म दैट द इट इज़ अ स्टेज ऑफ डिफिकल्ट फॉर द बोर्ड टू डिसाइड द अनाउंस द न्यू शेड्यूल ऑफ द एग्जामिनेशन हाउ द इन्फॉर्मेशन दे विल डिसाइडेड दैट द बोर्ड विल टेक विद रिगार्ड टू द कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन विल बी टेकन बाय द अंडरटेकिंग कंसर्नेशन। तो यहाँ पर भी उन्होंने वही चीज़ बोली है कि जो एग्जामिनेशन रह गए हैं बाकी हैं उनका वो कंडक्ट कराएंगे, बगैर कंडक्ट कराए वो एग्जामिनेशन का रिजल्ट नहीं देंगे, भले इसके लिए थोड़ा टाइम टेकन हो जाए, उसके बाद ही सीबीएसई बोर्ड का रिजल्ट आएगा। तो एग्जामिनेशन के 10 दिन पहले आपको नोटिस मिल जाएगा इसका कि आपका पेपर है और उसके बाद ही वो एग्जामिनेशन कंडक्ट होंगे। तो ये पूरी इन्फॉर्मेशन, अगर आपको कोई भी डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें और इसके साथ साथ
नीचे दिए गए शेयर बटन के माध्यम से अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर दें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास ये इन्फॉर्मेशन पहुँच सके। इस एट लास्ट मैं ये कहना चाहूँगा, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।